नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आज की कोई भी अगर नया वेल्डर बनता है तो उसके बाद में उसको टेस्ट और कहीं भी होता है तो टेस्ट वेल्डिंग करने के टाइम में क्या क्या देखना पड़ता है और कैसे दोस्तों टेस्ट मारा जाता है। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है 4 इंच का जॉइंट है दोस्तों, ये 45 डिग्री में है, ये पोजिशन पर रखा हुआ जॉइंट है, टंगा हुआ है। और दोस्तों इसी तरह तो टेस्ट होता है कहीं पे भी, कोई भी वेल्डर अगर है उसको तो ऐसे ही तरह टेस्ट मारना पड़ता है। कहीं पे भी जाएंगे तो कहीं भी जाएगा तो अगर तो वो तो इसके लिए दोस्तों कभी भी वेल्डर अगर टेस्ट कोई बिल्डिंग कर रहा है, टेस्ट मार रहा है अगर तो कोई भी अगर तो उसे इसी तरह से पाइप टांग कर दिया जाएगा। किसी किसी जगह पर थोड़ा डिफरेंट होता है तो उसको ये जो पीस रहेगा पीस में डमी ऊपर लगा दिया जाता है। पर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ट्रायल चल रहा है इसके लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आदमी लोग यहाँ पे भी वेल्डिंग कर रहे हैं वो सिर्फ ओनली यहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं तो इसके लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इन लोग को। तो देखिए दोस्तों, वेल्डिंग अगर नया भी कोई टेस्ट मार रहा है या फिर सीख रहा है, कोई भी काम कर रहा है अगर वेल्डर बनने के लिए अगर, तो दोस्तों देखिए सिंपल तरीका यही है कि नए आदमी लोग ये लोग सीख रहे हैं, सीख रहे हैं वेल्डर ही हैं सभी आदमी, पर थोड़ा सा कोई हाथ साफ कर रहे हैं अपना ऐसे करके ट्रायल करके। तो देखिए दोस्तों, अभी जैसे कि अंदर से फिलर दे रहे थे भाई साहब तो वो पॉजिटिव मार दिया, क्यों पॉजिटिव स्किल दोस्तों आ गया इसमें कि थोड़ा सा ज़्यादा पावर था और वहाँ पे एक जगह ज़्यादा देर रुक गया वहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंदर से फिलर तो दे रहे हैं लेकिन पर फिलर कंटिन्यू फिलर नहीं दिया जा रहा है, आराम से फिलर कंटिन्यू फिलर देना है पर आराम से फिलर, देखिए दोस्तों फिलर दे रहे हैं पर रुक रुक फिलर दे रहे हैं। सीएस का दोस्तों प्रोसीजर यही प्रोसीजर है कि कभी भी आपको रुक रुक के मतलब ड्रॉप फिलर नहीं देना है। ड्रॉप का जो नियम है वो एसएस का है, सीएस में कभी भी आपको कंटिन्यू फिलर देना है हमेशा। अगर वेल्डिंग स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यू फिलर देना है। और यहाँ वहाँ देखिए दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों एक वेल्डर वहाँ पर एक वेल्डर ट्रायल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इतना पार लेके मारे कि वो पूरा हॉल कर दिया उसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों वेल्डिंग मार रहे हैं मतलब ट्रायल कर रहे हैं, वेल्डिंग नहीं बोलेंगे उसको, ट्रायल चल रहा है सिर्फ ओनली। तो दोस्तों जैसे दोस्तों भाई क्लीट के पास में आ गए तो क्लीट कटिंग कर रहे हैं वो, क्लीट कटिंग करके फिर से दोस्तों वो शुरू करेंगे जॉइंट आगे वेल्डिंग करना। मेरा गला खराब थोड़ा हो गया इसके लिए, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं आवाज़ थोड़ा सा फस के आ रहा होगा आज। तो देखिए दोस्तों, अभी कटिंग कर रहे हैं, अभी वो कटिंग करके बाद फिर से वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग। तो दोस्तों कोई भी नया वेल्डर बनता है अगर, नया वेल्डर अगर कहीं भी वेल्डर का दोस्तों प्रोसीजर ही यही है कि आपको कहीं भी वेल्डर बन के कहीं भी आप जा रहे हैं तो फर्स्ट काम आपका है टेस्ट मारना, टेस्ट ही वेल्डिंग का आपको टेस्ट, हर जगह टेस्ट आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर वेल्डर है तो टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और कहीं पर भी आप पहले टेस्ट नहीं मारेंगे अगर तो आप कोई वेल्डर नहीं है, कोई आप कुछ भी नहीं है। फिर उस टाइम टेस्ट आप पास हो गए तो आप फिर वेल्डर हैं, तो आपका प्रोसीजर तो आपका जो है वेल्डिंग कार्ड मिलेगा और तो ही आपको फिर सैलरी मिलने वाली है वहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हमें अभी यहाँ पे थोड़ा फ्री हूँ, अभी शाम का टाइम हो गया इसके लिए दोस्तों। गर्मी दोस्तों इतना गर्मी है, दिन भर गर्मी दोस्तों यहाँ रहता है, इतना गर्मी दोस्तों रहता है यहाँ पे कि अगर सुबह कपड़ा भीग गया एक बार अगर तो शाम तक कपड़ा सूखना नहीं है, शाम तक मतलब कंटिन्यू पसीना पानी गिरते रहता है शरीर से, पानी गिरते रहेगा शरीर से आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों देखिए ज़्यादा गैप बन गया है क्योंकि ज़्यादा पावर लेके वेल्डिंग कर रहे थे। मैंने उनको बताया कि थोड़ा सा कम पावर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पावर हो रहा है इसमें, क्योंकि ज़्यादा पावर लेके वेल्डिंग करेंगे तो आपको मेल्ट नहीं हो पाएगा उसमें। तो देखिए दोस्तों इतना पावर लिए लाइट लग रहा है जैसे लग रहा है। देखिए दोस्तों, अंदर से फिलर दे रहे हैं अभी फिलर। तो दोस्तों नियम यही है कि फिलर आपको अंदर से फिलर देना है और कंटिन्यू फिलर देना है, कंटिन्यू फिलर दे के जाइए आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों, अगर चिपक रहा है, चिपकना भी नहीं चाहिए, अगर चिपक क्यों रहा है क्योंकि ज़्यादा बड़ा रखे हुए टेंशन रोड को, वो टेंशन रोड मीडियम रखिए। अगर एक बार टेंशन रोड चिपक गया अगर तो फिर समझ लीजिए फिर से आपको टेंशन रोड बढ़ा करके फिर से आपको वेल्डिंग शुरू करना है, नहीं तो दोस्तों क्या होगा, टेंशन रोड ख़राब हो जाएगा तो फिर वो आपका वेल्डिंग सही नहीं होगा। और दोस्तों वेल्डिंग का सबसे फिनिशिंग का सबसे अच्छा प्रोसीजर यही है कि आपको टेंशन रोड बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी में रखना है आपको है। यहाँ देखिए दोस्तों, एक तो वेल्डर यहाँ पे और ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी इस टाइम। देखिए दोस्तों, ये भी इतना पावर लिए हुए कि एकदम हॉल हो जा मतलब उसमें हॉल हो जा रहा है, पर फिर भी वो
चिक 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 चल रहा है उसमें, क्योंकि टेंशन अगर बार बार चिपक रहा है उसमें, टेंशन दोस्तों बार बार चिपक गया तो यार दोस्तों कितना भी पावर लीजिए कुछ भी कीजिए आप, तो आपको वो खराब टेंशन खराब हो गया एक बार तो बस वो अच्छा फिनिशिंग कभी भी फिनिशिंग नहीं आएगा अच्छा। देखिए दोस्तों वो डर वो चला रहे हैं पर ज़्यादा पावर लिए हुए हैं, इतना पावर लिए हुए हैं कि उसमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। पर दोस्तों को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ब्लैक ग्लास लेके दिखाऊँ थोड़ा इसमें, क्योंकि ब्लैक ग्लास थोड़ा यहाँ पे होगा शायद, मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ कि बॉक्स में होगा तो। पर दोस्तों ज़्यादा पावर है दोस्तों क्योंकि मूविंग कर रहे हैं टॉर्च, मालूम ही नहीं पड़ रहा मूविंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है टॉर्च मूविंग। देखिए दोस्तों मैं निकालता हूँ थोड़ा सा दोस्तों ब्लैक ग्लास, देखता हूँ कहाँ पे है ब्लैक ग्लास, ब्लैक ग्लास निकाल के फिर दिखाता हूँ आप लोग को मैं कैसे क्या। देखिए दोस्तों ब्लैक ग्लास लगाया है, देखिए दोस्तों इतना दोस्तों पावर लिए हुए लगता है कि वो हॉल हो जाएगा उसमें, इतना पावर दोस्तों नहीं लेना है जितना पावर कि आपको पूरा उसमें लगे कि आपको पंचर हो जाएगा जॉइंट। देखिए दोस्तों मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, देखिए दोस्तों और सबसे मेन दोस्तों यहाँ पे क्या देखिए दोस्तों इनका जो टॉर्च का मूविंग हो रहा है वो भी मूविंग बहुत कम कम मूविंग हो रहा है और फिलर भी नहीं दे रहे हैं बराबर से। देखिए दोस्तों फिलर कभी भी नया वेल्डर कोई बन रहे तो फिलर बराबर कंटिन्यू फिलर दीजिए और ड्रॉप ड्रॉप कभी भी एस एस का तो प्रोसीजर ही नहीं है कि मैं ड्रॉप ड्रॉप फिलर दूँ, इसमें कंटिन्यू फिलर देना है। फिलर अगर स्लो कर देंगे फिलर अगर आप तो फिर वो हॉल हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा, चाहे आप रूट बिल्डिंग कर रहे हो या फिलअप हॉल पास या कुछ भी आप बिल्डिंग कर रहे हो तो रूट में आपको रूट फिलअप कुछ भी आप फिलर तक भी मार रहे हो तो भी आपको ड्रॉप नहीं देना है, इसमें कंटिन्यू फिलर रखना है एक जगह पर और इसको बस मेल्टिंग करते चले जाना है। देखिए दोस्तों ये भी दोस्तों इसमें भी इतना पावर लिया है, बहुत ज़्यादा पावर लिए हुए हैं तो इसके लिए दोस्तों इसमें मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा पावर, कभी भी मीडियम रखना है पावर, पावर ना हाई ना लो कुछ भी नहीं रखना रखना है पावर। पावर देखिए देखिए दोस्तों कितना दोस्तों पावर लिए हुए हैं पर फिनिशिंग में नहीं हुआ है जॉइंट को, मैं तो रूट पावर देखता हूँ थोड़ा कितना पावर लिए हुए हैं। देखिए तो पावर देखा दोस्तों आया मैं इसका थोड़ा, लेकिन फिर भी देखिए तो फिनिशिंग अच्छा से नहीं आ रहा है क्योंकि वो जो है फिनिशिंग इसके लिए जो अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि मूविंग बराबर नहीं हो पा रहा है, अगर मूविंग बराबर होगा तो फिर फिनिशिंग अच्छा आएगा। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों बराबर इसको मूविंग करना पड़ेगा टॉर्च को, टॉर्च मूविंग होगा और पावर सही है अगर तो दोस्तों फिर चलेगा। देखिए दोस्तों मैं इसको देखो जलाए और फिर दोस्तों मैं पावर ग्लास लगाया, देखिए दोस्तों टॉर्च का मूविंग ही नहीं बराबर कर रहे, मूविंग बराबर करेंगे टॉर्च तो दोस्तों अगर मूविंग कर रहे हैं अगर आप तो ध्यान देना आपको है कि जितना देर उधर रुकना है उतना देर उधर रुकना और रुकना नहीं है कंटिन्यू पावर, अच्छा पावर लिए हुए हैं तो कंटिन्यू बस चलना है इधर से, रुक करके वेट नहीं करना है कि उसमें हॉल होना है, हॉल नहीं करना है, बस कंटिन्यू फिलर दीजिए और बस आगे निकलते जाइए आगे निकलते जाइए। दोस्तों देखिए दोस्तों पर दोस्तों यहाँ रुके हुए हैं वो रुक करके आराम आराम से वो चिपक चिपक के जा रहा है, चिपकाना नहीं है आराम से लेके चलना है फिलर वायर को देखते हुए। तो दोस्तों ये जो दोस्तों वीडियो है दोस्तों वीडियो उसके लिए है जो 6G पोजिशन में जो टेस्ट वेल्डिंग करते हैं, टेस्ट जो मारने जाएंगे कहीं पर भी अगर तो उनको उनको उनके लिए दोस्तों है ये वीडियो, क्योंकि उनको ये सब चीज़ का फेस करना पड़ेगा कभी भी। और दोस्तों इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम अभी हम मतलब शाम का टाइम है तो इसके लिए सभी आदमी लोग से ट्रायल करते हैं थोड़ा बहुत, ताकि कोई आदमी हमेशा हेल्पर ही तो नहीं रहेगा ना, मान लीजिए कि कोई मैं ही अगर बेल्डर हूँ आज अगर तो मैं भी कभी हेल्पर था कभी तो मैं भी ऐसे करके सिखाऊँ, तो कोई भी आदमी ऐसे करके सीखता है, कोई भी आदमी ऐसे सीख करके आगे बढ़ता है कोई भी, तो कोई भी नया बेल्डर जो भी है तो वो बेल्डर से पहले से हेल्पर था या फिर कहीं ट्रेनिंग लेके बिल्डर बना है, ऐसे ही तो कोई बिल्डर नहीं बन गया है तो उसके लिए सीखना पड़ता है, फिर सीख करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो कोई भी आदमी पहले अच्छा से बेल्डिंग करना सीखिए। देखिए दोस्तों मूविंग अच्छा है इन लोग का, नहीं मूविंग अच्छा है तो क्यों दोस्तों, नया आदमी ये लोग है तो बस सीख रहे हैं, बस ऐसे ही ट्रायल कर रहे हैं ये लोग सभी आदमी। देखिए दोस्तों मैं दूसरा पीछे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए दोस्तों मैं वहाँ 2 मिनट में बैठा दोस्तों, कितना देखिए गर्मी हो गया दोस्तों, हो गया पूरा भीग गया हूँ मैं, क्यों दोस्तों गर्मी इतना है कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा गर्मी दोस्तों है यहाँ पे। देखिए दोस्तों गर्मी इतना गर्मी यहाँ पे ज़्यादा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे उतना देर से इतना से दोस्तों पीस मारे हैं, पीस बिल्डिंग किए हुए सब, मैं बहुत देर से मैं उधर था मैं रुका हुआ, इतना देर से इतना सही पीस बिल्डिंग किए हैं, पर दोस्तों उससे अच्छा बिल्डिंग कर रहे हैं ये, क्यों देखो दोस्तों ये वेल्डर हैं ऑलरेडी टेस्ट पास है तो वेल्डर हैं ये। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रड जो उनका है फिलर इनका चिपक रहा है बार बार, क्योंकि ये थोड़ा छोटा रखे हैं, थोड़ा बड़ा रखते हैं फिलर टेंशन रड थोड़ा छोटा कर ले तो अच्छा रहेगा।
देखो दोस्तों, अंदर भी सही आया है, अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, मशीन का पावर भी सही था, मैं देखा था बिल्कुल सही। देखिए अंदर अंदर देखिए दोस्तों, अंदर ठीक है, अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अंदर तो बढ़िया चल रहा है, अंदर बढ़िया है। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों 6G पोजिशन है, जिसको बोलते हैं 45 डिग्री। देखिए दोस्तों, 45 डिग्री में दोस्तों ये पोजिशन पर टंगा हुआ है पीस है, इसमें वेल्डिंग करके, इसमें वेल्डिंग को कोई भी आदमी टेस्ट पास हो, किसी को भी टेस्ट ऐसे ही मारा जाता है, कभी भी कोई भी टेस्ट ऐसे ही वेल्डिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी दूसरा आदमी पास में ले जाकर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे टेस्ट वेल्डिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक तो वेल्डर यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, पर देखिए दोस्तों, ये भी नीचे बैठ करके वेल्डिंग कर रहे हैं, पर नीचे बैठना नहीं है, अगर उल्टा पोजिशन में अगर वेल्डिंग कभी भी मार रहे हैं आप, तो कोशिश कीजिए कि लेफ़्ट साइड से मैं थोड़ा दूर से उठा लूँ वेल्डिंग, और उसके बाद में फिर राइट साइड से मैं झुक करके मैं उसको वेल्डिंग उठा दूँ, वो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों बैठ करके वेल्डिंग अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनको ना दिखे अंदर से, क्योंकि अंदर से दोस्तों इसके लिए कि जब बैठ के वेल्डिंग करेंगे तो कप से ढक जाता है वेल्डिंग, तो बराबर ना दिखे, ऐसा होता है कभी कभी। तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि आप झुक जाएँ उस साइड से, मैं थोड़ा उसको दिखाता हूँ, थोड़ा उसको बताता हूँ मैं इसको, शायद ये ऐसा करें तो अच्छा रहेगा। ओके दोस्तों, मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा झुक करके थोड़ा उठा लो भाई। देखिए दोस्तों, मैं बताया उसको झुक करके उठाने के लिए, तो झुक करके उठा रहा है। देखो दोस्तों, ऐसे पोजिशन में दोस्तों उठाना है, इस साइड से उल्टा पोजिशन में झुक करके उठाएंगे तो क्या होगा आपको बराबर। देखिए दोस्तों, कैसे पोजिशन में है, झुका हुआ है, तो ऐसे उठाना दोस्तों, ये तो अच्छा इजी तरीका रहेगा। और देखो दोस्तों, यहाँ पे एक वेल्डर यहाँ पे रखे हुए हैं ट्रेनिंग, मतलब पीस वेल्डिंग कर करके, तो दोस्तों ये अच्छा है, बहुत अच्छा वेल्डिंग मारा है ये, मैं देखा है इसका पीस। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा पीस है, नया आदमी है पर अच्छा हमारा है, टेस्ट पीस बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दोस्तों टॉर्च में दिखाता हूँ टॉर्च बार करके इसमें। देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा से हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें लाइट हो गया है, इतना लाइट नहीं देना है, पर देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, नीचे में भी ऊपर में भी सब जगह अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है, सब जगह अच्छा है। पर थोड़ा अगर 2-3 बार अगर टेस्ट अच्छे से वेल्डिंग करेंगे अगर, तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो है ये बिल्कुल स्मूथ आ जाएगा, थोड़ा मतलब जो कहीं कोई कुछ हरकत दिख रहा है, कटकट दिख रहा है, वो कटकट नहीं आएगा, अच्छे से स्मूथ वेल्डिंग हो जाएगा, अच्छे से स्मूथ वेल्डिंग हो जाएगा इसमें, तो ये अच्छा रहेगा। पर फिर भी बाकी सबसे अच्छा वेल्डिंग मारा है ये, बाकी सबसे अच्छा वेल्डिंग किया है भाई साहब ने ये, तो अच्छा है। ऐसे करके वेल्डिंग मार के टेस्ट पास हो जाओ भाई, अच्छा है, कुछ नया आदमी और कुछ नया आदमी बढ़े और भी अच्छा है। देखो दोस्तों, रूट का दोस्तों प्रोसीजर यही है कि आपको बिल्कुल रिंग जैसा बनना चाहिए रूट, बिल्कुल रिंग जैसा बनता है ऐसा रूट बनना चाहिए, और तो आपको टेस्ट पास हो जाएगा, नहीं तो टेस्ट क्यूसी पास नहीं करवाएगा आपका, बोलेगा भाई ये प्रॉब्लम है अब, तो आपको फेल कर देगा। कभी भी रूट अच्छा चाहिए दोस्तों, कभी भी दो चीज़ अच्छा आपको आ गया समझ लिया वेल्डर बन गए, रूट और कैपिंग, दो चीज़ अच्छा वेल्डिंग मारने लग गए अगर आप, तो आपको कोई दिक्कत आपको नहीं है, फिर आपको समझ लिया वेल्डर बन गए। तो आई होप दोस्तों आपको इंजॉय करने में दोस्तों अच्छा लगा, वीडियो लगा होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग हैं, तो चलिए दोस्तों नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, नमस्कार दोस्तों।